धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रतिज्ञा बन जाए लगू बाबू जी। अरे बसंती आओ ना, कपड़े दोनों छोड़ दे तो क्या, हमसे मिलने भी नहीं आओगी? कैसी हो तुम? भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया है भाभी। अरे वाह, इतने दिनों बाद कहाँ थी भाई? अपने मायके गई थी? ना बिटिया, मायके में कौनो कितना दिन टिक सकता है। अब भाभी बात बाद में करेंगे, ये पहले लो मिठाई और सबका मुंह मीठा कर दो। ये किस खुशी में? हमार बेटुआ पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अब तो कहा थे अम्मा ये कपड़ा उपड़ा धोवे के काम दाम तुम छोड़ दो, घर में बैठ के आराम करो और जिंदगी के भरपूर सुख ले। अब तुम अच्छी बात है, हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी। एक तो बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो। वो क्या बताए, हमसे बोला भी नहीं जा रहा है। इतनी सीधी सादी बिटियन के बारे में ऐसी उटपटांग बात कर रहे थे कि अब क्या बताएं हम आपको। क्या कहा तुमने? कौन कर रहा था हमारे बेटे के बारे में बात, बताओ? भाभी जी औरतें तो कह रही थी कि प्रोफेसर साहब की दोनों बेटियां अपना अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ गई हैं। पता नहीं कहां से खबर उठाए के लाती हैं ससुरी। अब क्या बताएं, औरतें तो बतवाए रही थी कि छोटकी बिटिया तो पहले ही मायके में आके बैठ गई थी, बड़की बिटिया की भी मर्द ने उसको घर से निकाल दिया तो वही आके बैठ गई है। झूठ है सब, सरासर बकवास है। हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे अगर एक बेटी मायके आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया। बसंती चाची, आप मोहल्ले वालों की बातों पर कान क्यों दे रही हैं? हमारा हमारे पति के साथ रिश्ता एकदम ठीक है। वो बस कुछ दिनों से हमें मन कर रहा था कि हम अपने परिवार वालों के साथ आकर बिल्कुल पहले की तरह रहें, सो आ गए। चलो बेटिया सब कुछ अच्छा है, अरे तुम्हारा घर है, हक से आओ जाओ। लेकिन ये मोहल्ले की नाच पीटी औरतें हैं ना, इनको कोनो काम धाम नहीं है, बस पंचायत करती हैं। वो तो हम अफवाह सुने थे तो हम डर ही गए थे कि फूल जैसी बिटियन की जिंदगी में ये सब का हो गया। लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा है। भाभी अब हम चलित हैं। आओ आ जाओ, और ये सब सामान ना यहाँ धर दो। चलो जाओ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? का हम ससुराल चले गए तो तुम हमरे कमरे को कबाड़ खाना बनाए दिए? अरे ये सब का है, ये सब यहाँ का ले आई तू? हैं वही पढ़ रहे हैं हमेशा, खाते थोड़ी आएगी तू यार। अरे हमको ये सब की जरूरत नहीं है, क्या क्या कर रही है सब? का कहे तुमका ये हाकी ये चेन की कौनो जरूरत नहीं है? अगर तुम शादी के बाद इतने शरीफ हो गए हो, तुम भगवान बुद्ध जैसे, तो ये सब घर में काहे ठूस के रखा है? अरे यार कोमलिया बक बक बंद कर अपनी यार, तुम्हारी बात में सही सर में दर्द हो जाता है पता है। अच्छा तो अब हम बोल रहे तो तुम्हारा माथा दर्द कर रहा है, जा रहे हम। ए बाबा अब ये सब गुस्सा छोड़ दो ना, और हमरा एक को काम करोगे? वो को डांस प्रोग्राम है,
उसका नाम है जस्ट डांस। कहे ना कि हमको उसमें भाग लेना है, इसलिए हमको वहां ले चलो ना। अब तो ये आदर्श भी नहीं है, इसलिए हम सोचे कि हमारा टेम भी पास हो जाएगा। और ना हुआ वो भूरी आंखों वाला हीरोवा भी है, का नाम है उसका, हृतिक रोशन। हम सोचे कि हम हुआ जा रहे हैं तो उनको भी मिल लेते हैं। और तुम तो जानते हो ना कि हम कितना बढ़िया डांस करते हैं। अम्मा कसम यार, अगर हम हृतिक रोशन को हिलाए के नहीं रख दिए ना तो हमारा नाम भी कोमल नहीं। और वैसे भी फिर तुम भी अपना सीना चौड़ा करके बता सकते हो कि तुम्हारी बहन कितना अच्छा नाचती है। सही कहे ना हम? यार देख कोमल, हम तुमको साफ। कोमल तू जरा बाहर जा, हमको बाबा से जरूरी बात करनी है। अम्मा लेकिन हम भी उसे बहुत ही जरूरी बात कर रहे हैं। तू अपनी बात बाद में कर लेना, अभी हमको बात कर लेने दे। यह तुमरे और प्रतिगवा के तलाक का कागज। जब सब तय कर ही लिए हो तो कैसी लाग लपेट, खाली मुंह से बोल के नहीं कानूनी तौर पे भी। ले अंगूठा लगा दे इस पे। क्या सोच रहा है बाबा? सच सच बता क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्रतिगवा के बारे में सोच रहा है ना? रहा नहीं जा रहा ना उसके बिना? और यही लिए तू नहीं चाहता कि तुम्हारा उसके साथ तलाक हो। सही कह रहे हैं कि नहीं? बोल। बात सुन, भाई, भाई। हम आज भी तुमको यह कहेंगे कि जा और जाके अपनी मेहरिया को वापस ले आ, माफी मांग ले उससे और सुधार ले सब रिश्ता, खत्म करी बबाला। बाबा हमरे लिए ना तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। जौन कुछ भी की है ना हमरे साथ, हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। तुम जानते हैं बाबा कि तू अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, सो यह सही वक्त है। जा जाके जाके वापस ले उसको, जा। अरे यार अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं है यार, कोई घर में लाई कि हमरी हमरी कोनो इच्छा नहीं। काहे झूठ बोल रहा है बाबा है? जैसे हम कुछ जानते नहीं है। जा जाके ले उसको। अरे यार काहे जिद कर रही है अम्मा यार, कहीं नहीं जाने वाला, हम तुमको बता चुके हो के साथ हमारा कोनो रिश्ता नहीं। कब तक ऐसे घुट घुट के जिएगा बाबा? हम जानते हैं कि तू बहुत प्रेम करता है उससे, अभी गुस्सा में ही लिया इसे बोल रहा है, कल को ना जब अकल खुलेगी ना तब तुमको पछतावा होगा। प्रेम मोहब्बत ना रोज रोज नहीं होता बाबा। अरे देख करते हम प्रेम प्रतिज्ञा से, नफरत करते हम, नफरत। लो दियो, दियो। हो गया विश्वास, हो गया विश्वास की कितनी नफरत करते हम उसे।
कुछ कमी रह गई जो आँखों में अब तक नमी रह गई। हर एक पल को चुभती है ये दूरियाँ, बताओ ना क्यों है ये मजबूरियाँ। प्रिया प्रिया यादों का ये दरिया, प्रिया मेरी आँखों से तुम जो दूर हो गए, गिरे ख्वाब पलकों से चूर हो गए, न जा